सुनो सुनो, क्या सुनो, कौन हो आप सब, क्या सुनाना चाहते हो? मैं कौन हूँ? मैं भारत का संविधान हूँ, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था। क्या आप नहीं जानते? नहीं जानते ना, बड़े ही अफसोस की बात है। हमारे देश के आजाद हुए 77 वर्ष हो गए, फिर भी हमारे संविधान के बारे में नहीं मालूम। तो आइए अब हम बताते हैं अपने पहले संविधान के बारे में। हमारा पहला संविधान, क्यों? हमारा स्कूल गोवा ट्रिप पे जा रहा है। नहीं जा रहा है? घर में कोई काम नहीं है क्या? पापा प्लीज। नहीं नहीं मिलेगा तुमको पैसा, जाओ घर में काम करो। पापा। हाँ बेटे। हाँ बेटे। मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्यों? मुझे गोवा ट्रिप पर जाना है। कितने पैसे चाहिए? बस 20,000। ये लो तुम 30,000, खूब मस्ती करना। थैंक यू पापा। पापा वाह, हम आपसे बस 5,000 मांगे तो आप नहीं दिए, और छोटा से 20,000 मांगा तो आप उसको 30,000 दे दिए कि जाओ जितना उड़ाना है उतना उड़ाओ। एक बार समझाने से समझ में नहीं आता, बोल दिए तुमको कहीं नहीं जाना है तो फिर आती है जवाब लड़ाने। इसमें जवाब लड़ाने का तो कोई बात नहीं है। तुम लड़की हो, जाओ घर में काम करो। इसमें लड़का लड़की का बात कहाँ से आ गया? स्वतंत्रता पे तो लड़का लड़की दोनों का अधिकार है ना। स्वतंत्रता का अधिकार? तो आइए आप आगे बढ़ते हैं दूसरे मूल्य अधिकार की तरफ। क्या आपको भी दिखाई नहीं देता? लग रहा है उसमें से जवान लड़ाता है, लग रहा है कहीं का। मेरा क्या कसूर है, भगवान ही ऐसे बना है। मेरा भी मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, मेरा भी समानता का अधिकार है। क्या समानता का अधिकार? हाँ समानता का अधिकार। आइए हम बढ़ते हैं अपने तीसरे मौलिक अधिकार की तरफ। इसको आप कीजिएगा कुछ बताने से। अरे तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। तुम यहाँ क्या? ठीक, मैंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए यहाँ एडमिशन लिया है। क्या तुम यहाँ पढ़ोगी? पता भी है आगे जाके कितना खर्चा होगा? तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिली है। क्या तुम यहाँ स्कॉलरशिप से पढ़ोगी? पता भी है आगे जाके कितना खर्चा होगा? तुम्हें इस बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे डॉक्टर बनना है, देश की सेवा करना है। क्या तुम डॉक्टर बनोगी? पता भी है आगे जाके इतना खर्चा होगा या सब डॉक्टर बनना भूल जाओगी? माना मैं एक गरीब किसान की बेटी हूँ, मगर शिक्षा तो अमीरी और गरीबी नहीं देखता, मुझे भी शिक्षा का अधिकार है। क्या शिक्षा का अधिकार? हाँ शिक्षा का अधिकार। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे मौलिक अधिकार की तरफ। दौड़ते हुए जा रहे हो? मैं थोड़ा जल्दीबाजी में हूँ इसलिए दौड़ के जा रहा हूँ। नहीं तुम सिग्नल तोड़ के नहीं जा सकते। क्यों, तुम नहीं जानते हो मैं एसपी का बेटा हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तब तो तुम्हें डबल चालान लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में सबके लिए एक ही समान माना जाता है। क्या एक समान माना जाता है? यस एक समान कानून है हमारे देश में, एक समान कानून माना जाता है, इसलिए तुम सिग्नल तोड़ के नहीं जा सकते। क्या एक समान कानून? आइए हम बढ़ते अपने पांचवें मौलिक अधिकार की तरफ।
रघुपति राघव राजा रामपति तपावन सीतारा। तुम यहाँ पर पूजा नहीं कर सकते, मैं इस्लाम हूँ, ये मेरा जगह है। नहीं यह मेरा जगह है। नहीं ये मेरा है। नहीं यह मेरा है। नहीं ये मेरा जगह है, मैं इस्लाम हूँ, ये मेरा जगह है। नहीं हम लोग यहाँ पे पूजा करते हैं, यह हम लोग का जगह है। मेरा है। नहीं यह हम लोग का है। ये तुम लोग आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो? यह हमारा धर्म है। नहीं ये किसी का नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ये सब किसी का, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? हाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने छठवें मौलिक अधिकार की तरफ। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा। तुम ये क्या कर रहे हो? झाड़ू कर रहा हूँ। झाड़ू होती है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। अभी अभी आया हूँ। एक तो नया है, मुझे जाम लगाता है, मारू मारू। अरे अरे क्यों मार रहे इस बेचारे को? ये मेरा नौकर है, मैं इसके साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। तुम कौन होते हो बोलने वाले? मैं इस देश का नागरिक हूँ, इसको क्यों ऐसे मार रहे है? इसकी उम्र तो देखो 14 वर्ष से भी कम है। मैंने इसको पैसे दिए है, इसका परिवार मेरे पैसे चलता है। माना कि तुम्हारे पैसे से इसका परिवार चलता है, लेकिन इसके लिए तुमको जेल भी हो सकता है। क्या जेल? हाँ जेल, यह शोषण विरुद्ध का अधिकार में आता है। क्या संवैधानिक अधिकार? हाँ संवैधानिक अधिकार। थैंक यू।